देखिए अब सबकी तारीख पर ये हिस्ट्री पर ये तब पता चलेगा। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, इस्लाम में सबसे पहला फिरका बना शिया और खारजी। जोर से बोलो, इस्लाम में सबसे पहला फिरका कौन बना? जोर से बोलो, शिया और खारजी। पहले नंबर पर फिरका कौन बना? जल्दी बोलो, शिया और खारजी। ये मौला अली की जंग हुई तो उसमें ये दोनों फिरके तैयार हो गए, एक शिया और दूसरे बोलो खारजी। दूसरे तीसरे नंबर पर दूसरी सदी में मोतजिला फिरका पैदा हुआ। कई फिरके हो गए? जल्दी बोलो, तीन। अब सुन लीजिए, तीसरी सदी में कोई फिरका नहीं, चौथी सदी में कोई फिरका नहीं, पांचवी सदी में कोई फिरका नहीं, दसवीं सदी तक कोई फिरका नहीं, ग्यारहवीं सदी तक कोई फिरका नहीं, बारहवीं सदी तक कोई फिरका नहीं, तेरहवीं सदी के शुरू में अरब में रियाज में जो सऊदीया की राजधानी है वहां एक फिरका बना। दो ग्रुप के लोगों ने मिलकर यह फिरका बनाया, एक आले सऊद और एक शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। इन दोनों ने मिलकर के अपनी फौज तैयार किया और वहां की हुकूमत पर कब्जा किया और पूरे अरब को चेंज किया और उसका नाम रख दिया सऊदीया अरबिया। क्या नाम रखा? जल्दी बोलो, सऊदीया अरबिया। जिसका नाम पहले हिजाज था, जिसका नाम पहले यमन था, जिसका नाम मुल्के शाम था, वो सारे हिस्से का नाम बदलकर क्या कर दिया? जल्दी बोलो, सऊदीया अरबिया। दो ग्रुप के लोग आपस में मिलकर के इधर देखिए वहां हुकूमत किया और हुकूमत करने के बाद अपनी जमात अहले सुन्नत से अलग कर लिया। जल्दी बोलो, अपनी जमात अहले सुन्नत से अलग कर लिया। इधर देखिए और नाम रखा वहाबी। क्या नाम रखा? जोर से बोलो, वहाबी। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, अब उसने अपना मिशन चलाना शुरू कर दिया, अपना तरीका चलाना शुरू कर दिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी हुकूमत आएगी उसी का मामला तो चलेगा। अरे बोलो, कांग्रेस के जमाने में 500 का नोट चलता था, 1000 का नोट चलता था, मोदी की हुकूमत आई जबकि असली नोट है, ओरिजिनल नोट है, लेकिन मोदी ने कैंसिल कर दिया तो वो नोट कैंसिल हो गया, क्योंकि जिसकी लाठी जोर से बोलो उसकी भैंस। अरे जोर से बोलो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज से 150 बरस पहले उसी मक्का मदीना में नबी पर सलाम पढ़ा जाता था, नबी पर दरूद पढ़ा जाता था, नबी के मिलाद की महफिलें होती थी, नात खानी होती थी। 150 बरस पहले सब कुछ होता था, लेकिन जब से इनकी हुकूमत आ गई इसने अपना सिक्का अलग जमाया और अपना कानून अलग लगाया कि जो सलाम पढ़ेगा उसको कैद में डाल दिया जाएगा, जो दरूद पढ़ेगा उसको कैद में डाल दिया जाएगा, जो नबी की तारीफ करेगा वो शिर्क है शिर्क, ऐसा करने वाले को जेल पहुंचा दिया जाएगा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज से 150 बरस पहले वहाबी की हुकूमत आई। अब आगे सुनिए, इधर देखिए, वहाबी से कट कर कितने फिरके बने? इधर देखिए, हिंदुस्तान में देवबंदी बना, इधर देखिए गैर मुकल्लिद बना, सलफी बना, अहले हदीस बना, जमाते इस्लामी बनी। ये सारे फिरके वहाबी से कटकर बने हैं और वहाबी सुन्नी से कटकर बना। जोर से बोलो, वहाबी सुन्नी से कटकर बना और वहाबी से कटकर ये सारे फिरके बने। मेरी तरफ देखिए, सब पहले सुन्नी थे, सबके बाप दादा सुन्नी थे। अरे बोलो, सब एक प्लेट में खाते थे, एक घर में रहते थे, एक बिस्तर पे सोते थे, लेकिन कसम खुदा यहूदियों ने हम लोगों को ऐसा बर्बाद किया। मेरी तरफ देखिए कि यहूदी ने सऊदी को बर्बाद किया और सऊदी ने हम लोगों को बर्बाद किया, मुसलमानों को बर्बाद किया। इधर देखिए, यहूदी बंदूक चलाता है, हमको बर्बाद करता है, लेकिन सामने अपना चेहरा नहीं रखता। इधर देखिए, सामने सऊदी का चेहरा, बिल्कुल ऐसे समझिए काधा सऊदी का और बंदूक। अरे जोर से बोलो, बंदूक। जोर से बोलो, कांधा किसका? सऊदी का। और बंदूक किसका? जोर से बोलो, यहूदी का। जो यहूदी कहता है वो सऊदी कहता है और जो सऊदी कहता है वो बेईमान मौलवी लोग आपको कहते हैं और आप लोग आपस में लड़ते हैं। यहूदी की प्लानिंग क्या है जानते हैं?
आपको मालूम नहीं है, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर मुसलमान है, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर मुसलमान है। अगर यहूदी से कोई टकरा सकता है तो वो मुसलमान टकरा सकता है, दो नंबर पर मुसलमान है। और अल्लाह ने जितने खजाने छुपा कर रखे हैं वो सब मुसलमानों के मुल्क में है। डीजल मुसलमानों के पास है, पेट्रोल मुसलमानों के पास है, हीरे जवाहर मुसलमानों के पास है, सोने का कप पहाड़ मुसलमानों के पास है, कुदरत का जितना खजाना है सब मुसलमानों के पास है। यहूदी की प्लानिंग ये है कि ये मुसलमान एक ना हो सके, ये मुसलमान एक ना हो सके, मुसलमानों को एक मत होने दो, इनको लड़ाते रहो, बेवकूफ बनाते रहो और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते रहो। लेकिन लड़ाने का तरीका ये है, डायरेक्ट मत जाओ उनके दरमियान, वरना पहचान लेगा कि कौन लड़ा रहा है। लड़ाना है तो दाढ़ी टोपी वाले को भेज दो, इन कुत्तों को भेजो और कुत्तों को टुकड़े दे दो, पैसे दे दो, ताकि पैसे की लालच में कभी नबी के खिलाफ बोले, कभी सहाबी के खिलाफ बोले, कभी अहले बैत के खिलाफ बोले, कभी बुजुर्गों के खिलाफ बोले। जब ये खिलाफ बोलेगा तो मुसलमान आपस में लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तो पूरी दुनिया में हम हुकूमत करेंगे। ये प्लानिंग किसकी है, जोर से बोलो, यहूदी की। हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो, किसकी प्लानिंग? तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किसने किया, जल्दी बोलो, यहूदी ने। यहूदी ने सऊदी को बर्बाद किया और सऊदी ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किया। इसलिए हमारे बच्चों, सऊदी पैसा कमाने जरूर जाओ, मना नहीं है। आज मुसलमानों को नौकरी नहीं मिल रही है, मुसलमान बच्चा परेशान है कि रोजी रोटी हमारी चले तो कैसे चले। जाइए बेटा पैसा कमाइए, मना नहीं है, लेकिन वहां का तरीका मत अपनाइए, क्योंकि वहां बेईमानों की हुकूमत है। बोलो, जो यहूदी कहता है वही सऊदी कहता है। लोग कहता है इस्लाम वहां से फैला है, अरे बोलो, कहते हैं ना इस्लाम वहां से फैला है, गलत कैसे होगा? अबे पगला, ये तो हम भी कहते हैं कि इस्लाम वहां से फैला है, लेकिन ये क्यों कहते हो कि गलत नहीं हो सकता? वहां वहां जितना गलत हो रहा है अमेरिका में भी नहीं हो रहा है, अरे बोलो हॉलैंड में भी नहीं हो रहा है, बच्चे को बैठाइए, जापान में भी नहीं हो रहा है। जनाब को बैठाइए, बेटा बैठ जा दो मिनट के लिए। वहां जितना गलत हो रहा है अमेरिका में भी नहीं हो रहा है, इंग्लैंड में भी नहीं हो रहा है। अरे बोलो, तुम कहते हो कि वहां गलत कैसे होगा? और वहां तो अब गिरजाघर बन गया, गिरजाघर तो छोड़ दो, अब तो फिल्म हॉल बन गया है। लड़कियां डांस कर रही है, लड़कियां नाच कर रही है, अब तुम क्यों कहते हो, तुम ये क्यों नहीं कहते कि वहां गलत कैसे होगा? अबे पगला, 150 बरस पहले सऊदी नबी का गुलाम था, लेकिन 150 बरस से नबी का गुलाम नहीं, यहूदी का गुलाम है। यहूदी जो कहता है वही सऊदी कहता है, और जो सऊदी कहता है वो आज के बेईमान मौलवी पैसे की लालच में वही बोलते हैं जो वो लोग बोलते हैं। लड़िए मत, झगड़िए मत। पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा यहूदियों पर आया था, जो काम यहूदियों ने किया वही काम ये लोग करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, इजाजत है, जल्दी बोलो, इजाजत है। अच्छा ये बताइए कि मेरी गुफ्तगू समझ में आई? आई? पीछे वाले भी हाथ उठाकर बोलो बेटा, अरे बोलो, समझ में आई? आइए सुन्नी बनकर रहिए, नमाज भी पढ़िए, नबी पर सलाम भी पढ़िए, दरूद भी पढ़िए, नबी पर सलाम भी पढ़िए, नबी से मोहब्बत कीजिए। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं वो मुसलमान नहीं। इजाजत दीजिए, बाबू लोग इजाजत है तो एक ऐसी हदीस सुनाना चाहता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी। अरे बोलो इजाजत है तो बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। गौर से सुन लो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे सानी किताबुल मकाजी सफा नंबर 624, कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 624। अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु قال, अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु قال, बोयसा अली इब्न अबी तालिब मिन अल यमन इला रसूलिल्लाह
بزهيبتين في أديم مقروز فقسمها بين أربعة نفر فقام رجل غير العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كس اللهية مهلوك الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أبلست أحق أهل الأرض أن يتق الله زور سے بول دو سبحان اللہ کوئی جائے گا نہیں بس ادھر دیکھئے آدھے گھنٹے کے اندر تقریر ختم اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے بابو لوگ جائیے نہیں ورنہ بہت آپ پچھتائیں گے بڑی شاندار حدیث سنائی کس کتاب کی حدیث ہے ارے بولو بولو ارے زور سے بولو بخاری شریف جلد نمبر کتنا جلدی بولو ارے بولو جلد نمبر کتنا جلد نمبر دو پیچ نمبر کتنا جلدی بولو 624 624 پیچ نمبر کتنا جلدی بولو حدیث سنیے حدیث تو بہت لمبی ہے لیکن بیچ کا حصہ میں نے پڑھا ارے بولو بیچ کا حصہ میں نے پڑھا ہے چونکہ بہت لمبی حدیث ہے ادھر دیکھئے بیچ کا حصہ میں نے پڑھا ہے تاکہ آپ کو بتا سکوں ادھر دیکھئے لیکن یہ حدیث غلط ثابت کرنے پر منہ مانگا انعام اور غلط نہیں ہے تو آپ کو ہوشیار رہنا ہے توبہ کرنا ہے توبہ دورنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا عقیدے میں پختہ ہو جا نیتا گیری چھوڑ دے ہندو مسلم سیکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی اگر بھائی بھائی تو کیسی لڑائی ارے زور سے بولو کیسی لڑائی یہ لڑائی اگر بھائی بھائی تو کیسی لڑائی یہ لڑائی اس لیے کہ فرق ہے ارے زور سے بولو فرق ہے اس لیے تو لڑائی اگر فرق نہ ہو تو لڑائی ختم ہو جائے اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے میں نے جو حدیث سنائی چچا میاں دھیان سے سنیے گا اور ہمارے بچے لوگ جوان لوگ ہماری ماں بہن سب لوگ دھیان سے سنیے گا آہستہ آہستہ آرام سے ادھر دیکھئے نبی کی بارگاہ میں ایک جگہ سے مولا علی کون جلدی بولو کچا سونا لے کر آئے کیا لے کر آئے کیا لے کر آئے کچا سونا مال غنیمت میں وہ سونا پایا تھا وہ کچا سونا نبی کے پاس لے کر آئے کچا سونا کس کو کہتے ہیں زمین سے نکلا ابھی اس کو بھٹی میں صاف نہیں کیا گیا ایسے ہی نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا تو مولا علی کیا لے کر آئے جلدی بولو کچا سونا جب کچا سونا لے کر آئے جو مال غنیمت میں پایا تھا تو نبی نے چار لوگوں کو بانٹا کتنے لوگوں کو بانٹا جلدی بولو اے فلا تم لو اے فلا تم لو اے فلا تم لو اے فلا تم لو کتنے لوگوں کو بانٹا جیسے چار لوگوں کو بانٹا ادھر دیکھئے دھیان سے سنیے جیسے چار لوگوں کو بانٹا تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام ذوالخویصرا تھا کیا نام تھا نام یاد کر لو کیا نام تھا اس کا حدیث کی کتاب میں اس کا نام دوسری روایت میں تذکرہ ہے ذوالخویصرا کیا نام تھا جلدی بولو ذوالخویصرا یہ نام تھا وہ شخص جیسے نبی نے چار لوگوں کو بانٹا تو وہ شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا اے محمد انصاف سے کام لو اللہ سے ڈرو اے محمد اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو انصاف سے کام لو جس کو دینا چاہیے اس کو نہیں دے رہے ہو اور جس کو نہیں دینا چاہیے اس کو تم دے رہے ہو یہ بٹوارا ٹھیک نہیں ہے کس نے کہا جلدی بولو بولو کس نے کہا ادھر دیکھئے چچا میاں دھیان سنیے ادھر دیکھئے بیٹا ہے تو ان کو جانے دیجئے ادھر دیکھئے نبی نے کئی لوگوں کو بانٹا پھر سے بولو ارے بولو پھر سے بولو چار لوگوں کو بانٹا تو کس نے اعتراض کیا جلدی بولو ذوالخویصرا ادھر دیکھئے ذوالخویصرا کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے محمد انصاف سے کام لو تم غلط کر رہے ہو تم غلط کر رہے ہو یہ بٹوارا ٹھیک نہیں ہے بٹوارا ٹھیک نہیں ہے انصاف سے کام لو اللہ سے ڈرو تو نبی نے ادھر دیکھئے نبی نے غصے میں کہا ویلک
मर्दूद तू हिलाक हो जा, बर्बाद हो जा, तबाह हो जा। मन समाय वलार, मैं आसमान और जमीन दोनों में अमीन जाना जाता हूं। मुझको जमीन वाले भी अमीन मानते हैं, आसमान वाले भी अमीन मानते हैं। मुझसे बड़ा इंसाफवर कौन होगा? मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला कौन होगा? तू मुझसे कहता है कि इंसाफ से काम लो। जैसे नबी गुस्से में आए तो खालिद बिन वलीद वहीं पर बैठे थे। فقال خالد بن وليد الا ازرب عنقه يا رسول الله। खालिद बिन वलीद ने कहा, ये अल्लाह के रसूल, अगर आप मुझको इजाजत दें तो अभी मैं इसको कत्ल कर दूं। क्या कहा? अगर आप मुझे इजाजत दें तो अभी मैं इसको पकड़ के कत्ल कर दूं, बूटी बूटी बना दूं, पीस पीस कर दूं। जैसे उसने कत्ल का नाम सुना तो भागा और नमाज पढ़ने लगा। क्या करने लगा? नमाज पढ़ने लगा। इधर देखिए, चूंकि वो भी अपने आप को मुसलमान कहता था, इधर देखिए, अपने आप को मुसलमान कहता था लेकिन अंदर से मुसलमान नहीं था, मुनाफिक था। क्या था? हाथ उठाकर बोल, और जोर से बोलो। अंदर से मुनाफिक था, जाहिर में कलमा पढ़ता था, जाहिर में नमाज पढ़ता था, जाहिर में दाढ़ी रखे हुआ था, जाहिर में कुर्ता पायजामा पहने हुआ था, लेकिन अंदर में चोर छुपा था। इधर देखिए, मुनाफिक था मुनाफिक। इधर देखिए, वो जाकर नमाज पढ़ने लगा तो नबी ने कहा मत कत्ल करो। क्या कहा? मत कत्ल करो, तुम कत्ल करोगे तो जो नए नए मुसलमान बने हैं वो इस्लाम से भाग जाएंगे। कहेंगे कि अब तक मोहम्मद काफिरों को कत्ल करवा रहे थे, अब तो कलमा पढ़ने वाले नमाजी ही को कत्ल करवा रहे हैं। तो नबी ने हिकमत अमली से काम लिया, कत्ल नहीं करवाया, वरना नए नए जो मुसलमान बने थे वो डर के मारे इस्लाम मजहब को छोड़ देते। तो नबी ने कत्ल नहीं करवाया। गौर से सुनिए, जब कत्ल नहीं करवाया तो वो चला गया। इधर देखिए, मौका मिला, भाग गया। जब भाग गया, इधर देखिए, तो अबू सईद खुदरी कहते हैं उसका चेहरा कैसा था। सुनिए, उसका चेहरा कैसा था, दाढ़ी कैसी थी, सर का बाल कैसा था, कुर्ता पाजामा कैसे पहने हुआ था, सब सुनिए। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये बुखारी की हदीस। गलत साबित करो तो मुझे कत्ल कर दो, और अगर गलत नहीं है तो इधर देखो, तुमको होश में रहना है। इधर देखिए, अबू सईद खुदरी जो कहते हैं, रावी है, वो कहते हैं कि उसका चेहरा कैसा था, सुनिए। गायरुल ऐनैन मुशरिफुल वजनतैन, गाल निकले हुए, आंखें धसी हुई, पेशानी पर बहुत बड़ा दाग, पेशानी पर बहुत बड़ा दाग, दाढ़ी बहुत लंबी और घनी रखे हुए, सर को छिलाए हुए, और पाजामा बहुत उठाकर लपेट कर पहने हुए। इधर देखिए, पाजामा बहुत उठाकर लपेट कर पहने हुए, सर छिलाए हुए, दाढ़ी बहुत लंबी रखे हुए, पेशानी पर बहुत बड़ा दाग, इधर देखिए, और पाजामा बहुत उठाकर लपेट कर पहने हुए। इधर देखिए, जब वो भागने लगा तो नबी ने क्या कहा? इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे। क्या कहा? जल्दी बोलो। इसी की नस्ल से यखरुजु मिन दीहाजा यतलून किताब अल्लाह रतबा ला युजाबिज़ु ईमानहुम हनाजरहुम। इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे, कुरान तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हल्क के नीचे नहीं जाएगा, जबान पर ही रहेगा। बेईमान होंगे बेईमान, अंदर से दिल काला होगा काला। इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे। इधर देखिए, नस्ल का माना इस्तेमाल किया, ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जिसका माना नस्ल है। जब कोई किसी की नस्ल से पैदा होता है तो उसी का डुप्लीकेट पैदा होता है। बेटा बाप की नस्ल से तो आंखें बाप की तरह, होंठ बाप की तरह, चेहरा मोहरा बाप की तरह, चलता है बाप की तरह, बोलता है बाप की तरह, दाढ़ी है बाप की तरह, पाजामा है बाप की तरह। नबी ने फरमाया, जैसे ये मेरा गुस्ताख
है कलमा पढ़ के नमाज पढ़ के अपने आप को मुसलमान कह के मेरी गुस्ताखी कर रहा है, मेरी तौहीन कर रहा है, दिल में अंदर से बोक्स रखे हुआ है। इधर देखो, ऐसे ही कुछ मुसलमान पैदा होंगे जो नाम के मुसलमान होंगे, वो तुमको धोखा देंगे। जैसे इनकी दाढ़ी है वैसे उनकी भी दाढ़ी होगी, जैसे ये पाजामा उठाकर पहने हैं वो लोग भी पाजामा उठाकर पहनेंगे, जैसे ये सर छिलाए हुआ है वो भी सर छिलाएंगे, जैसे ये किरत अच्छी कर रहा है वो लोग भी अच्छी किरत करेंगे, जैसे ये इधर देखिए दाढ़ी लंबी रखे हुआ है वो लोग भी दाढ़ी बहुत लंबी रखेंगे। इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे, जो काम ज़ुल्खुवैसरा ने किया वही काम मेरे गुस्ताख लोग करेंगे। जैसे ज़ुल्खुवैसरा ने अपने आप को बर्बाद किया, ऐसे ही कुछ बेईमान लोग कलमा पढ़ के नमाज पढ़ के रोजा रखे मेरे के खिलाफ मेरी आवाज, मेरे खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो, हो रहा है कि नहीं? पैगंबर ने जैसा कह दिया वैसा हो रहा है। नाम नहीं लिया मगर पहचान बता दी। हाथ उठाकर बोलो, नाम नहीं लिया मगर पहचान। अरे जोर से बोलो, पहचान। अच्छा एक बात बताइए, इधर देखिए, किसी ने किसी को बंबई में कत्ल किया, कहां कत्ल किया? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कहां कत्ल किया? जल्दी बोलो। लेकिन पकड़ा गया कहां? मेदनापुर में। पकड़ा गया कहां? मेदनापुर में, पासकूरा में, हिंचा में। बोलो कहां? हिंचा बंगाल में पकड़ा गया। तो पुलिस ने उसको कैसे पकड़ा? जल्दी बोलो। पुलिस ने इसलिए पकड़ लिया कि जब वो कत्ल किया था, इधर देखिए, तो उसकी पहचान न्यूज में बता दी गई, अखबारों में छाप दी गई, हर थाने वाले को, अरे बोलो, फिक्स कर दिया गया कि इस तरह का आदमी जहां से गुजरे उसको अरेस्ट किया जाए। नबी ने नाम नहीं लिया लेकिन अपने गुस्ताखों की पहचान बता दी कि जैसे ज़ुल्खुवैसरा है इसी की नस्ल से मेरे गुस्ताख पैदा होंगे, कलमा पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे लेकिन कभी मेरी तारीफ नहीं करेंगे। जैसे इनके दिल में बोक्स है उनके भी दिल में बोक्स होगा, जैसे इनकी दाढ़ी है उसकी भी दाढ़ी होगी, जैसे ये सर छिलाए है वो भी सर छिलाए होगा, जैसे ये पाजामा उठाकर पहने है वो लोग भी पाजामा उठाकर पहनेंगे। इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे। नबी ने जैसा कहा, ये बुखारी शरीफ 600। बोलो पेज नंबर कितना? जल्दी बोल पेज नंबर कितना, जोर से बोल। अरे बोल पेज नंबर कितना? 624 इस हदीस को गलत साबित करो, और अगर गलत नहीं कर सकते तो तौबा करो। तौबा, होश में रहो, सुन्नी बनकर रहो। नबी ने सब कुछ बता दिया, इसी का नाम तो इल्म-ए-गैब है।